हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को बागड़ी मार्केट जाना चाहिए और फिर हम लोग रेडी सेडी होकर निकल गए बागड़ी मार्केट के लिए। सेजल और आरती दीदी करने लगी लड़ाई, और पता है ये लोग किस बात में कर रहे थे लड़ाई? सेजल को जाना था रास्ते से और आरती दीदी को जाना था गली से, लेकिन बहस में तो सेजल से कोई जीत ही नहीं सकता और सेजल जीत गए। और फिर हम लोग जाने लगे रास्ते। मार्केट हमारे घर से ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 20-25 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस लगते हैं हमारे घर से। और ये आप देख ही रहे होंगे कि ये वन वे है, हम लोग किसी भी गाड़ी से नहीं जा सकते थे। और फिर हम लोग चलते चलते जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीज आती है जो हम लोग देखते हुए जा सकते थे। अब हम लोग जिस रास्ते में है, इस रास्ते का नाम है बड़ी मस्जिद। ये भी काफी बड़ी है और काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे भी मिलती है। अगर आप लोग चाहो तो हम लोग ये सब भी दिखा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। रॉयल की तरफ मेरी नजर गई और इसे देखते ही मुझे भूख लग जाती है, लेकिन ये लोग मेरे भूख को शांत करते हुए मुझे आगे लेकर के गई। और यहाँ पे काफी लोग नमाज भी पढ़ रहे थे क्योंकि हम लोग फ्राइडे को गए थे। स्टार्टिंग में जो मैं आपको बड़ी मस्जिद के बारे में बता रही थी, बड़ी मस्जिद यही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और यहाँ पे काफी सारी बुर्का वगैरह, सूट के पीसेस वगैरह, काफी सारी चीजें मिलती है। और ये दोनों फिर बन ठनने लगी, अपने आप को दिखाने लगी, और हम लोग पहुँच गए बागड़ी मार्केट। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग आप लोगों को एक एक चीज दिखाएंगे। बागड़ी मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है जो पूरे एक्सप्लोर आप लोगों को मैं नहीं करवाई हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करना है, पूरी चीजें अच्छे से देखनी है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, हम लोग आप लोगों को जरूर एक्सप्लोर करवाएंगे। ये एक होलसेलर मार्केट भी और पीस वाइज मार्केट भी मिलती है। अगर आप लोग जैसा भी परचेज करना चाहो आप लोग कर सकते हो। आप लोग देखिए अब आप लोगों को क्या क्या चीजें पसंद आती है, क्या नहीं आती है, और यहाँ पे क्या क्या मिलती है। अब आप लोग इसे अच्छे से देखिए। मेहता बिल्डिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलती है। ऐसे करते करते यहाँ पे काफी सारे बिल्डिंग्स है, काफी सारे गेट नंबर्स है, जहाँ पे सारा एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलते हैं, सामान मिलते हैं, आप कहीं से भी जा करके ले सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ भी लेना हो तो यहाँ पे जा सकते हैं, अगर आपके घर से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो। अगर है भी तो अगर आप लोगों को ज्यादा सामान लेना हो तो यहाँ पे जाकर प्लीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी सस्ती सस्ती चीजें मिलती है एज कम्पेयर ऑफ जो बाहर के शॉप से आप कुछ भी लेते हो तो। हम लोग तो यहीं से जा करके लेते हैं। और आप लोग ने अभी तक हम लोगों का पहला वीडियो देखा है क्या? देखा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट किया कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हम लोग को। प्लीज 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 सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, और हम लोग आगे भी आप लोग को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। घर पे बहुत सारे बच्चे हैं तो हम लोगों ने सोचा उन लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ भी ले लूं, तो हम लोगों ने लिया। ये 60 रुपए करके काफी सस्ती मिल रही थी तो हम लोग ले लिए। और यहाँ पर देखिए टेडी बियर मिल रहे, वैरायटीज ऑफ टेडी बियर है, आप कुछ भी चाहे तो ले सकते हैं, काफी सस्ती भी है। लेकिन इसके कोई काम नहीं थे तो हम लोगों ने लिया नहीं, लेकिन काफी अच्छी थी। सारे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज के थे, कुछ भी ले ले वो 60 रुपीज के थे। फिर हम लोगों ने पार्टी पॉपर ये सब सारी चीज भी ली। ये देखिए मियोमर में एक पीस 45-50 रुपीज ऐसे करके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे काफी सस्ती, पूरी पैकेट की प्राइस थी 45-35-50 रुपीज ऐसे ही करके थी।
ये सारे के सारे सामान जो आपको दिख रही है 10 रुपए के, हम लोगों ने लिए बहुत सारे सामान, और ये सारी खिलौना वगैरह 60 रुपए करके थी, यहाँ से भी लिए हम लोगों ने। और फिर मुस्कान देखने लगी वॉच वगैरह, उसके घर के लिए उसको लेना था। बार्गेनिंग करवाने के बाद ये हम लोग ले लिए, ये 350 का था, हम लोग ने 150 में लिया। फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स चेक कर रहे थे कि ये लेना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, टेस्ट करके देख लेते हैं, और टेस्ट में ये काफी अच्छी थी, पर वैरायटीज थी तो हम लोग सब एक एक करके टेस्ट कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने खजूर ली। सब कुछ करते करते हम लोगों को इतनी जोर भूख लग गई थी, फिर हम लोग खाने लगे फ्रूट्स वगैरह, काफी अच्छी मिल रही थी, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स थी, और फिर हम लोग खाने लगे फ्रूट्स, और फिर स्नैप तो बनती है। ये छोटी सी बच्ची काफी प्यारी थी, तो हम लोगों ने इससे काफी सारी बातें की, इसके बारे में पूछी, और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए और सारा सामान आरती दीदी के हाथ में दे दिया। हम लोगों को थैला उठाना पसंद नहीं, तो बोले दीदी आप प्लीज उठा लो, और दीदी काफी अच्छी है, हमेशा उठा लेती है। ट्रैवलिंग और शॉपिंग के बाद हम लोग घर की तरफ पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा थक चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।